ना सिर्फ अपने आउटर लुक पे बल्कि इनर सेल्फ पे भी उतनी ही मेहनत करना होगी जितनी कि आप अपने आउटर लुक्स पे करते हैं। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में जिसको मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूँ कि आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है सेल्फ डेवलपमेंट यानी सेल्फ ग्रूमिंग। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसके बारे में जानने के लिए तो फिर मेरे साथ रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि न्यू नोटिफिकेशंस आपके साथ शेयर होते रहें। सेल्फ ग्रूमिंग या पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेकर सभी औरतों और सभी मर्दों को बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात का सामना होता है। हम अपने बारे में बहुत कम जानते हैं जबकि हम दूसरों के बारे में जानने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। इकबाल का क्या खूब शेर है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। इस शेर के अंदर खुदी की बात की गई है। खुदी मतलब सेल्फ, सेल्फ मीन्स अपना आप अपने बारे में, अपनी पर्सनैलिटी के बारे में पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपके पास कितनी है। अगर आप अपने आप को जानते हैं, अगर आप अपनी खामियों को जानते हैं, अपनी फॉल्ट्स, अपनी नेगेटिविटीज को जानते हैं तो दैट मीन्स यू आर नो मच अबाउट योर सेल्फ। इसी को पर्सनैलिटी कहते हैं। हर इंसान की पर्सनैलिटी दूसरे से मुख्तलिफ है, हर इंसान की नेचर दूसरे से मुख्तलिफ है, हर इंसान अपने आप में एक यूनिक वैल्यू रखता है। तो इसी यूनिकनेस को आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी जिसे हम पर्सनैलिटी कहते हैं। लेकिन इस पर्सनैलिटी में कौन कौन सी चीज़ें हम इंक्लूड कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें अपना कर, किन चीज़ों पे फोकस कर हम दूसरों के लिए एक मैग्निफिशेंट पर्सनैलिटी बन सकते हैं, एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बन सकते हैं और अपने आप को किसी दूसरे के सामने किस तरह से प्रेजेंट करें कि दूसरा जो है वो हमारे साथ दोस्ती करने के लिए या हमें अपना फ्रेंड बनाने के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाए। सबसे पहला जो मेरा टिप है आपके लिए वो है सेंस ऑफ ह्यूमर। सेंस ऑफ ह्यूमर मतलब आपके अंदर हिस्से मज़ाक, यानी कि मजाक करने की हिस, हंसने की, हंसाने की हिस जो है वो कितनी डेवलप्ड है, किसी की बात को सहन करने की कितनी ज़्यादा आपके अंदर पावर है। दैट मीन्स यू आर हैविंग अ सेंस ऑफ ह्यूमर। अगर आप किसी रोते हुए को हंसा सकते हैं, यहाँ मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी, मेरे हस्बैंड जो हैं ही हैज़ अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। वो कभी भी किसी भी सिचुएशन को बहुत ईजीली हैंडल कर लेते हैं, वो कभी भी किसी सिचुएशन से पैनिक नहीं होते, वो कभी भी किसी रोते हुए को हंसा सकते हैं ईजीली। दैट इज़ द सेंस ऑफ ह्यूमर। अगर आपके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर है तो दैट मीन्स यू आर हैविंग अ गुड पर्सनैलिटी एंड आपको बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं होगी। क्योंकि पर्सनैलिटी के अंदर अगर कोई चीज़ ऐसी है जिसको आपको डिवेलप करना है तो वो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेंस ऑफ ह्यूमर। सेंस ऑफ ह्यूमर से यहाँ मेरी मुराद ये है कि आप किसी भी चीज़ को लेकर कितना सीरियस होते हैं और उस सीरियसनेस से कितना स्ट्रेस क्रिएट करते हैं अपनी ज़ात के अंदर, अपनी नेचर के अंदर, अपने माइंड के अंदर, अपनी सोल के अंदर। आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं, आप कितने यूनिक हैं, इसी चीज़ को इम्प्रूव करना जो है वो सेंस ऑफ ह्यूमर कहलाता है। आप किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट ना करें, आप चीज़ों को हैंडल करना शुरू कीजिए, चीज़ों को पॉजिटिव लेना स्टार्ट कीजिए। अपने अंदर किसी भी चीज़ को उतारने से पहले उसकी नेचर को समझ लीजिए कि वो कितनी आपके अंदर जाकर आपके माइंड को, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ को जो है वो डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो आप इस चीज़ को अपने ऊपर हावी करने की बजाय अपने आप को रिलैक्स कीजिए, पॉजिटिव रहिए और सेंस ऑफ ह्यूमर को डेवलप कीजिए। हंसना और हंसाना बहुत ही अच्छी चीज़ है, इससे हमारे जो माउथ के जितने भी मसल्स हैं उनकी एक्सरसाइज भी होती है, हमारा माइंड जो है वो भी फ्रेश रहता है और हम दूसरों के लिए भी खुशी का बाइस बनते हैं। हैबिट्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। आपकी हैबिट्स कैसी हैं, क्या आपने अपनी हैबिट्स को बनाया है या आपकी हैबिट्स आपको बना रही हैं, इस बात के अंदर एक बहुत ही सिचुएशन क्रिएशन छुपी हुई है जिसको सोचना होगा आपको। सबसे पहले हम अपनी आदतें बनाते हैं,
हैबिट्स को डेवलप करते हैं, और जब हम उन हैबिट्स को डेवलप कर लेते हैं तो फिर उनसे छुटकारा नहीं पाया जा सकता। इसलिए अच्छी हैबिट्स को अपनाइए, ऐसी हैबिट्स को अपनाइए जो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर निखार पैदा कर सकें। मैनर्स, टेबल मैनर्स, रॉयल क्लासी हैबिट्स, ये सारी चीज़ें आप तभी अपने अंदर अपना सकेंगे जब आप ये जान पाएंगे कि आपकी पर्सनैलिटी में कौन कौन से नेगेटिव पहलू हैं, किन किन ट्रेट्स को बदलने की ज़रूरत है। तो जहाँ हमने सेंस ऑफ ह्यूमर की बात की, वहीं हैबिट्स भी किसी भी पर्सनैलिटी को डिवेलप करने में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रोल अदा करती हैं। कुछ लोगों से हम मिलते हैं अक्सर जो कि बहुत अच्छी आदत के मालिक होते हैं, उन्हें बहुत मैनर्स होते हैं, बात करने का सलीका होता है, उठने बैठने की तमीज़ होती है। ये वो हैबिट्स होती हैं जो उन्होंने डेवलप की होती हैं। यही वो चीज़ें हैं जो किसी भी शख्स को आपकी पर्सनैलिटी की तरफ अट्रैक्ट करती हैं। डिसिप्लिन एंड कॉन्फिडेंस, दीज बोथ थिंग्स आर कनेक्टेड टुगेदर। अगर आप डिसिप्लिनड हो जाएं किसी भी चीज़ को लेकर, अपने रूटीन को लेकर, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी लाइफ एक रूटीन पर चल रही है, आप डिसिप्लिनड हैं हर चीज़ को लेकर, एक्सरसाइज टाइम हैबिट्स और आपके खाने की आदत और आपके जो मिलने मिलाने के तौर तरीके हैं, आपके पढ़ने के, उठने के, सोने के, जागने के, ये सब चीज़ें डिसिप्लिनड हैं, तो इससे ना सिर्फ आपकी लाइफ में रिलैक्सेशन का एक पहलू पैदा हो जाएगा, बल्कि इसके साथ साथ आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा जो किसी भी पर्सनैलिटी के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। कॉन्फिडेंस जो है वो हमें नुमाया करता है बहुत सारे लोगों के बीच में। जब हम कॉन्फिडेंस से किसी बात को किसी दूसरे तक पहुँचाते हैं तो ये चीज़ डिवेलप्ड होती है जब आपके अंदर आपकी सोल, आपकी नेचर, आपका माइंड, आपका हार्ट, ये सब चीज़ें परफेक्ट होती हैं, रिलैक्स होती हैं। तो सबसे पहले आपको रिलैक्स करना है अपने आप को, अपनी हैबिट्स को डिसिप्लिनड फॉर्म में लाना है, और उसके बाद आपको अपने अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर को क्रिएट करना है। जब ये सारी चीज़ें आप अपने अंदर क्रिएशंस और ये सारी चीज़ें डिवेलप कर लेंगे तो कॉन्फिडेंस जो है वो खुद ब खुद बूस्ट अप हो जाएगा, और कॉन्फिडेंस किसी भी पर्सनैलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मेक श्योर कि अगर आप अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना चाहते हैं तो इन चारों चीज़ों पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा। इसके बाद मैं आपको कुछ और टिप्स बताऊँगी, मज़ीद चार टिप्स हैं मेरे पास, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बोनस टिप बताऊँगी, और वो क्या है चलिए बताती हूँ। यू शुड बी पैशनेट। पैशनेट मीन्स किसी भी काम को पुरजोश अंदाज से करना। क्या आप पैशनेट हैं किसी भी काम को करने के लिए? क्या आप गर्मजोशी का मुजाहरा करते हैं? तो वो चीज़ें काउंट कीजिए जिनको करने में आपको मज़ा आता है, आप रिलैक्स फील करते हैं। ऐसी चीज़ों को करने से आपका जो पैशन है वो आपके साथ होता है, आपके जो आउटकम है वो बहुत अच्छा आता है, आपका इंटरेस्ट डेवलप होने लगता है। किसी भी चीज़ को अगर आप पैशनेट तरीके से करेंगे, पुरजोश अंदाज से करेंगे, दिल के साथ करेंगे, नीयत से करेंगे, तो आई एम डैम श्योर कि उसमें आपके जो सक्सेस के चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। और किसी भी चीज़ में सक्सेस हासिल करने के लिए आपको पैशनेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पैशनेट होने के साथ साथ अपने अंदर पॉजिटिवनेस को भी डेवलप कीजिए। पॉजिटिवनेस और पैशनेट बोथ आर टू डिफरेंट थिंग्स, बट दीज आर कनेक्टेड टुगेदर। और अगर आप इन दोनों चीज़ों को अपना लेंगे तो आप देखिएगा कुछ ही दिनों में लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे, और वो चाहेंगे कि जैसे आप सक्सेसफुल हैं अपनी लाइफ में, वो भी आप ही की तरह अपनी लाइफ में सक्सेस को हासिल करना चाहेंगे। इमोशंस, हम सभी लोग बहुत इमोशनल हैं, क्या आप भी इमोशनल हैं? अपने इमोशंस को हैंडल करना सीखिए, केयर अबाउट योर इमोशंस। अगर आप अपने इमोशंस को काबू करना सीख लेंगे, अपने गुस्से को, अपने फीलिंग्स को दूसरों के सामने प्रेजेंट करने की बजाय थोड़ा सा उसको अपने आप से आप हिडन रखिए, अपने इमोशंस को छुपाना सीख जाइए, तो इस तरह से भी आपकी पर्सनैलिटी दूसरों पे जो इम्पैक्ट डालती है, अचानक से जो आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करके दूसरों पे जो इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, उससे बच जाएंगे और आपकी पर्सनैलिटी का एक नया पहलू दूसरों के सामने आने लगेगा। तो बी पैशनेट, बी पॉजिटिव। सबसे लास्ट में जो बात मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि चैलेंजेस को एक्सेप्ट कीजिए। आपके माइंड के अंदर एक ऐसा फंक्शन अल्लाह ताला ने बनाया है कि अगर आप डिफ़िकल्टी, चैलेंज और प्रॉब्लम जैसे वर्ड्स के साथ काम स्टार्ट करते हैं तो
उसके इम्पैक्ट थोड़े से डिफरेंट होते हैं। अगर आप किसी भी प्रॉब्लम को चैलेंज समझ कर एक्सेप्ट करेंगे तो उसके नतायज, उसके रिजल्ट्स बहुत ही आउटस्टैंडिंग होंगे। हमारे माइंड, हमारे बॉडी, हमारे फिजिकल, जितनी भी हमारे अंदर ऑर्गन्स हैं, ये सब हमारा साथ देते हैं जब हम किसी चीज़ को चैलेंज समझकर एक्सेप्ट करते हैं। और अगर आप उस चैलेंज में हार भी जाते हैं, लूज़ भी करते हैं, विन नहीं भी होते, तो दैट मीन्स यू हैव गॉट अ न्यू लेसन इन योर लाइफ। आप अपनी लाइफ में अच्छा लेसन तो ले पाएंगे ना अगर आप लूज़ भी करते हैं। और अगर यू हैव विन, तो फिर आप क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स का सामना करना होगा, आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएंगे। और मेरी एक बात जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अपनी लाइफ में रिलैक्सेशन को अपना आदि बनाइए। इससे ना सिर्फ आपका माइंड बल्कि आपकी आउटर लुक, आपकी आउटर लुक, आपका इनर सेल्फ, ये सब चीज़ें जो हैं वो उभर कर सामने आने लगेंगी। एक नया निखार जो है वो न सिर्फ आपके फेस पे बल्कि पर्सनैलिटी पे भी निखर कर सामने आ जाएगा। तो प्लीज़ आप इन सभी रूल्स को फॉलो करके अपनी लाइफ को पॉजिटिव बना सकते हैं। इन सभी रूल्स को अप्लाई करके आप अपनी लाइफ को, अपनी पर्सनैलिटी को एक बहुत ही ग्रूमिंग पर्सनैलिटी बना सकते हैं। आई एम श्योर कि मेरा ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। अगर आपको मेरी इस वीडियो से ज़रा सा भी कोई पॉजिटिव पहलू मिला है जो आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आखिर में, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, You have to relax yourself, be patient, be passionate and be positive. अगर आप चाहते हैं कि अपनी लाइफ में, अपनी पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा अच्छे चेंजिंग्स लाना, बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट्स लाना जिनसे कि आपका फ्यूचर जो है वो ब्राइट हो सकता है, आप सक्सेस की तरफ जा सकते हैं, तो फिर आपको इन सभी टिप्स पे अपने अंदर जो है वो उतारना होगा, इन सारी टिप्स पे काम करना होगा, अपनी पर्सनैलिटी पे थोड़ा सा काम करना होगा। ना सिर्फ अपने आउटर लुक पे बल्कि इनर सेल्फ पे भी उतनी ही मेहनत करना होगी जितनी कि आप अपने आउटर लुक्स पे करते हैं। आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। अल्लाह हाफिज़।